हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अगर अभी तक आपने हमारे सलवार की कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके चेक कर ले। तो इस तरह से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है और दो पैनल कट किए हैं और इस तरह से चार कलियां। अब मैं पैनल को कलियों के साथ जोड़ूंगी। अब हम पैनल को कली के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने बीच में पैनल रखा है, ये हमारी सीधी साइड है। अब मैं इस कली को इस तरह इसके ऊपर रखकर इसमें सिलाई लगा लूंगी। अब हम इसी तरह से इस वाली कली को इस तरह पैनल के ऊपर रखकर इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसी तरह से दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों कलियों को पैनल के साथ जोड़ लिया है। अब जो हमारी दो कलियां बची हुई है उसको भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने चारों कलियों को पैनल के साथ जोड़ लिया है। दोनों पल्लों को हमने इस तरह एक के ऊपर एक रखा है। फ्रंट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी। अब हम इसी तरह से दोनों आसन में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने आसन की दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसके पोंछे तैयार करेंगे। अब हम अपना पोंछा तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी लंबाई हमने कपड़े से थोड़ी ज्यादा ली है और चौड़ाई है हमारी बुकरम की 3 इंच। और इस तरह से हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई भी हमने इससे ज्यादा ली है। ये मेरी सलवार की सीधी साइड है। अब हम इस कपड़े को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों कपड़े को मिलाकर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इस बुकरम को सिलाई के ऊपर रखेंगे। ऐसे और इसको आयरन के साथ पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई के ऊपर मैंने ये बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लूंगी और ये पोंछा तैयार कर लूंगी इस तरह से। तो सीधी साइड से हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। पहले मैं इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए नीचे की साइड सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह मैंने नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह मैंने पोंछे के ऊपर और नीचे सिलाई लगा ली है। अब मैं इस पोंछे में डिजाइन डाल लूंगी।
तो इस तरह से मैं दोनों पोंचो में डिजाइन डाल के इनको कम्प्लीट कर लूंगी। तो इस तरह से हमने दोनों पोंचो को रेडी कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैं कट कर लूंगी इस तरह से। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कट किया है जिसकी लंबाई है फोल्ड करके 20 इंच। बेल्ट तैयार हमारी 26 इंच की है तो 6 इंच इसमें कम पड़ रहा है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसकी लंबाई है फोल्ड करके 6 इंच। अब मैं इन दोनों फैब्रिक को इस तरह रखते हुए इनमें सिलाई लगा लूंगी इस तरह से। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड ये कपड़ा जोड़ लिया है। बेल्ट तैयार हमारी 24 इंच है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 24 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। लंबाई तैयार हमारी 5 इंच है तो 2 इंच मैं फोल्डिंग के लिए लूंगी। तो इस तरह से मैं 2 इंच पर एक निशान लगा लूंगी। तो इस तरह से हमारी बेल्ट तैयार है 24 इंच की। लंबाई हमारी बेल्ट की 5 इंच, 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया है जिसमें हम नारा डालेंगे। और इस तरह से मैंने साइड में कट लगा दिया है। अब ये जो निशान है इसके नीचे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमने नीचे डबल सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इस तरह से दोनों साइड को खोलते हुए इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर से भी इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर से 2 इंच फोल्ड करने के बाद हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने से पहले हम इसमें चारों तरफ निशान लगा लेते हैं। तो एक निशान मैंने इस तरह सीधी साइड लगाया है। अब हम इसको इस तरह पकड़कर एक निशान इसके पीछे लगाएंगे इस तरह से, और एक निशान हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे। इस तरह से तो इस तरह से हमने चारों तरफ निशान लगा लिए हैं।
एक निशान हमने यहाँ पे लगाया है, एक इसके पीछे और दो साइड्स में। तो चलिए अब इसमें प्लेट्स डाल लेते हैं। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो एक हमारी आगे वाली साइड है और एक साइड हमारी पीछे वाली। आप कोई भी साइड आगे या पीछे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं पीछे वाले साइड्स में दो प्लेट्स डालूंगी ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो। पहले मैं प्लेट्स इस तरफ डालूंगी, तो एक प्लेट मैं इस तरह डालूंगी और एक प्लेट मैं इस तरह से। तो चलिए पहले पीछे वाले साइड्स में दो प्लेट्स डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे वाले साइड्स दो प्लेट्स डाल ली है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की पीछे वाले साइड है, जहां तक हमने दो कट्स लगाए थे और ये निशान, वहां तक हम इस बेल्ट को इसके साथ जोड़ लेंगे। बेल्ट जोड़ने के लिए हमें बेल्ट को इस तरह इसके ऊपर रखना है, दोनों सेंटर पॉइंट हमारे इसके साथ होंगे और हमें दोनों कट तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाना है और दोनों कोनों तक इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने साइड वाले कट्स तक इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम उस तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पीछे की साइड्स दो प्लेट्स डालकर इसमें बेल्ट जोड़ लिया है। अब हम आगे की साइड प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से पहले हमने पीछे की साइड बेल्ट जोड़ लिया है, अब हम आगे की साइड प्लेट्स डालकर ये बेल्ट जोड़ लेंगे। प्लेट हमें यहां तक डालनी है। इस साइड की प्लेट हम इस तरह से डालेंगे और इस तरफ की प्लेट हम इस तरफ से डालेंगे। ऐसे तो दोनों साइड की प्लेट हमें यहीं तक डालनी है। तो चलिए इनमें प्लेट्स डाल लेते हैं। पहले हम इस तरफ प्लेट डालेंगे, फिर दूसरी साइड। तो इस तरह से हमने एक साइड ये प्लेट डाल ली है, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे।
आपको जिस तरफ से सीधा पड़ता है आप उस तरफ से इसमें प्लेट डाल सकते हो। अब हम इस प्लेट को इस तरह करते हुए इसमें भी प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड ये प्लेट डाल ली है। आप भी इस तरह से बेल्ट को मेजर करते हुए इन प्लेट्स को डाल सकते हो। प्लेट हमें यहां तक डालनी है। अब हम इस बेल्ट को इस तरह रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस बेल्ट को मैंने सलवार के साथ जोड़ लिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर एक और सिलाई लगा सकते हो। अब मैं इस सलवार को उल्टा करके नीचे से ऊपर तक सिलाई लगा लूंगी। पोंचा हमारा रेडी 6.5 इंच का है, तो नीचे से मैं 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस पूरे सलवार में सिलाई लगा लूंगी। पोंचे तैयार हमारे 6.5 इंच के थे, तो इस तरह से मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर में निशान लगाया 8 इंच पर, और इसी तरह से मैंने पूरे सलवार में सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारी ये सलवार कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।